आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टी शर्ट का जिक्र बार बार होता है, लेकिन आज टी शर्ट से अलग हटके कुछ बातें करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें पिछले ही दिनों पंजाब में कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया, कहा जा रहा है कि ठंड की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। हालांकि ये एक डॉक्टर के जो डॉक्टर हैं वो बता पाएंगे या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता पाएंगे कि क्या ठंड में चलने की वजह से भी उनकी जान जा सकती है क्या, क्योंकि परिवार कह रहा है कि उनकी ऐसा कोई दिल से जुड़ी हुई बीमारी नहीं थी, ऐसी कोई भी उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की खबर नहीं है, वो पूरी तरह से फिट थे। खैर, यात्रा आगे बढ़ी, राहुल गांधी परिवार के साथ रहे, अंतिम यात्रा में रहे, अंतिम संस्कार में रहे और उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया गया। अब जब यात्रा आगे बढ़ी है, चूँकि पंजाब में इस घटना के बारे में मैंने आपको बताया, पंजाब से पहले हरियाणा में थी और हरियाणा में अच्छा खासा जमावड़ा लोगों का इस यात्रा में नजर आया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों का भी सपोर्ट था। और राहुल गांधी हरियाणा की इस यात्रा से इतने ज्यादा खुश थे कि वो उन्होंने अपनी बातों में कहा था कि ये है हरियाणा, इसलिए मैं कहता हूं कि हरियाणा की बात अलग है और हरियाणा के लोगों से जो प्यार सपोर्ट मिला है उसका मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोगों का जो प्यार था, जो सपोर्ट था, वो भारत जोड़ो यात्रा को मिला था। लेकिन इसको लेकर अब पॉलिटिक्स भी अलग तरीके से हो रही है, हालांकि अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तय कह दिया कि राहुल गांधी जिन्न है क्या, न ठंड लगती है उन्हें, कभी वो कहते हैं मैंने खुद को मार दिया है, उनका ये एक अलग सा अंदाज है दूसरों पर कटाक्ष करने का या फिर तंज करने का। आज ही दिल्ली में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और रोड शो को लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है, बौखला गई है और इसीलिए इतना इमरजेंसी बेसिस पर बीजेपी ने ये रोड शो किया है। ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, क्योंकि सबके अपने प्रोग्राम होते हैं, बीजेपी का अलग प्रोग्राम है, कांग्रेस का अलग प्रोग्राम है, बीजेपी को भी पूरा अधिकार है, कांग्रेस को भी अधिकार है, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। जैसे मैंने जिक्र हरियाणा का किया, हरियाणा में जहां पर अच्छा खासा जमावड़ा इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया, लोगों का हुजूम दिखा जो कि चलता हुआ नजर आया, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि एक कुत्ता भी इस यात्रा में जाकर भौंका नहीं, यात्रा है तो निकालें, निकालना सबके सबके अपने मन की बात है, यात्रा निकालें या फिर जो चाहे वो करें, लेकिन इस यात्रा को कोई सपोर्ट वो ये कहना चाहते थे कि हरियाणा की तरफ से मिला नहीं है। ये जो अनिल विज ने बोला है वीडियो के एंड में, आप सुनिएगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। भारत जोड़ो यात्रा में आज सिद्धू मूसेवाला के पिता भी शामिल हुए और ये सिद्धू मूसेवाला की फ़ोटो साथ में ली हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से लोग अगर मौजूद रहते हैं, शामिल रहते हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज भी है। सिद्धू मूसेवाला जिनके तमाम फैन हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, सिद्धू मूसेवाला के पिता जो कि हाथ में हाथ पकड़कर राहुल गांधी के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा का सपोर्ट किया है, राहुल गांधी का सपोर्ट किया है सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू। हमने ये भी देखा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद किस तरीके से वो उदास थे। ये देखिए, ये एक और मजबूत सी तस्वीर है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर मूसेवाला राहुल गांधी को गले लगा रहे हैं। ये भी एक प्यार का जताने का भाव होता है। ये देखिए, हाथ में हाथ पकड़कर इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए बलकौर सिद्धू नज़र आ रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के पिता। सिद्धू मूसेवाला के पिता का साथ में होना एक अलग संदेश भी जा रहा है, कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा में, और ज़्यादा मजबूती खासतौर से पंजाब के लिहाज से मानी जा रही है। हालांकि पंजाब के बाद आगे अब बढ़ेगी ये यात्रा और 30 जनवरी जब आखिरी पड़ाव होगा कश्मीर में लाल चौक पर जाकर राहुल गांधी को तिरंगा झंडा लहराना है, लेकिन उससे पहले यात्रा लगातार चल रही है और राहुल गांधी सबसे मिलते हुए, सबके साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अनिल विज ने जिस तरीके से कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है इस यात्रा को लेकर, सुन लीजिए आप। और कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती थी, जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भूखा। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है, करते रहे।